गाइज, लैपटॉप लेने का जो स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट है वो है 30,000 रुपीज़। एंड अगर आप अपने बजट को थोड़ा बढ़ाते हो, यानी कि आप 35,000 रुपये करते हो, तो आपको 8 GB तक की बड़ी रैम, विंडोज़ 11 एंड बहुत ही अच्छे खासे फीचर्स वाला लैपटॉप मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने उन लैपटॉप्स को कवर किया है जो आपकी मल्टीटास्किंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हैं, जिसे देखकर आप भी बोलोगे अबे साले। और हाँ भाई, लैपटॉप बताने से पहले एक ऑनेस्ट थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 30,000 से 35,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के जो लैपटॉप है, उनसे आप ज्यादा हार्ड मल्टीटास्किंग एक्सपेक्ट मत करना। बिकॉज अगर आप हार्ड मल्टीटास्किंग करना चाहते हो तो आपको अपना प्राइस पॉइंट 50,000 के आसपास ले जाना ही पड़ेगा। सो हाँ, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे का ज्ञान मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। सो गाइस, चलिए बात करते हैं हमारी लिस्ट के लैपटॉप्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लैपटॉप आता है वो आता है लिनोवो की तरफ से। एंड अगर आपको डे टू डे यूज के लिए या अपने ऑफिस वर्क के लिए एक बेस्ट लैपटॉप चाहिए, तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो। लैपटॉप आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ मिलता है। और भाई, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले का होने का फायदा ये है कि आपकी आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। एंड अगर वहीं बात करूं मैं चिपसेट की, तो इंटेल का कोर i3 10th जनरेशन का चिपसेट आपको इसमें मिलता है। एंड चिपसेट की सारी बेसिक डिटेल्स को मैंने अपनी स्क्रीन पे दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। चिपसेट के साथ आप नॉर्मल मल्टीटास्किंग के साथ साथ हल्की फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। एंड वहीं अगर मैं बात करूं स्टोरेज क्राइटेरिया के बारे में, तो 8 GB की अपग्रेडेबल रैम आपको इसमें मिल जाती है, जिससे आप 12 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। एंड इसके साथ ही आपको 256 GB की SSD भी मिल जाती है। बैटरी में आपको अप टू 6 आवर्स तक का बैकअप मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आपका लैपटॉप 1 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाएगा। सो काफी अच्छी बात हो जाती है उन बंदों के लिए जिनका बैटरी कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको प्रीलोडेड मिल जाते हैं। और साथ ही मिल जाता है एक HD वेबकैम, जिससे आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस या मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड कर सकते हो। एंड आपके कैमरा पे आपको एक प्राइवेसी शटर भी मिल जाएगा, जिससे आप अपनी प्राइवेसी के अकॉर्डिंग यूज कर पाओगे। लैपटॉप के अंदर आपको ऑल नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल होंगे। और ये लैपटॉप ओनली 1700 ग्राम का लैपटॉप है। सो अगर आपको 35,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के नीचे एक लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, तो आप ये लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो, जिसका नाम है लिनोवो आईडियापैड स्लिम 3। फॉर प्राइसिंग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगला जो लैपटॉप आता है वो आता है एसर की तरफ से। एंड अगर आप लैपटॉप के अंदर ज़्यादा हार्ड तो नहीं, बट एक अच्छी खासी मल्टीटास्किंग को अंजाम देना चाहते हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। लैपटॉप आपको AMD के Ryzen 3 थर्ड जनरेशन के चिपसेट के साथ मिलता है, जिसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो है 3.5 GHz। एंड चिपसेट की सारी बेसिक डिटेल्स को मैंने अपनी स्क्रीन पे भी दे दिए है, आप चेकआउट कर सकते हो। 4 GB की एक्सपेंडेबल रैम आपको इसमें मिल जाती है, जिसे आप 8 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। और भाई, स्टोरेज में आपको मिल जाती है 512 GB की मैसिव SSD। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की इसे भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो भाई, स्टोरेज की तरफ से आपको काफी अच्छे प्लस पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इसकी वजह से आपके लैपटॉप की प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह को भी काफी ज्यादा बूस्ट मिल जाता है। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी। एंड साथ ही आपको AMD के रेडियन ग्राफिक्स का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आपके लैपटॉप के जो ग्राफिक्स है वो काफी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलते हैं। विंडोज 11 आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ बैटरी लाइफ की, तो अप टू 5 to 6 आवर्स तक का बैकअप मिल जाएगा। लैपटॉप में आपको ऑल नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल होंगे। और साथ ही एक फुल साइज कीबोर्ड भी मिल जाएगा, जिसमें आपको न्यूमेरिक कीपैड भी मिल जाते हैं। सो गाइस, अगर आपको एक ऑलराउंडर लैपटॉप चाहिए, तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो, जिसका नाम है Acer Aspire 3। काफी अच्छी डील है और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइज, अब बारी आती है हमारे लिस्ट के फर्स्ट एंड फाइनल लैपटॉप की, जो आता है Asus की तरफ से। सो अगर आपको अपनी ऑफिशियल काम के लिए एक बेस्ट लैपटॉप चाहिए, जो एक बेस्ट लैपटॉप होने के साथ साथ ही एक लाइटवेट लैपटॉप भी हो, तो ये लैपटॉप आपको कंसिडर करना चाहिए। लैपटॉप के अंदर आपको 14 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, विद 200 निट्स ऑफ द पीक ब्राइटनेस। और भाई, 14 इंचेस का लैपटॉप है, तो जाहिर सी बात है कि लैपटॉप का वेट भी बहुत ज्यादा कम होगा, जिसकी वजह से आपको लैपटॉप यहाँ से वहाँ कैरी करने में किसी भी तरह की दिक्कत को फेस नहीं करना पड़ेगा। इंटेल का कोर i3 11th जनरेशन का चिपसेट आपको इसमें मिल जाता है, जिसकी सारी बेसिक डिटेल्स को मैंने अपनी स्क्रीन पे दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये चिपसेट आपकी मल्टीटास्किंग को काफी ज्यादा अच्छे से और काफी ज्यादा स्मूथली मैनेज करता है। 8 GB की एक्सपेंडेबल रैम आपको इसमें मिल जाएगी, जिसे आप इन फ्यूचर 12 GB तक एक्सपेंड कर पाओगे। और साथ ही मिल जाती है 256 GB की SSD, और ये SSD भी अपनी रैम की तरह एक्सपेंडेबल है। बैटरी लाइफ के बारे में बात की जाए, तो अप टू 5 आवर्स तक का बैकअप आपको इसमें मिल जाएगा। एंड साथ ही आपको लैपटॉप के अंदर इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो भाई, कंटेंट का जो मजा है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है, नो डाउट।
विंडोज 10 का होम एडिशन एंड एमएस ऑफिस आपको प्रीलोडेड मिल जाएंगे, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। लैपटॉप के कुछ अदर एडिशनल फीचर्स की मैं बात करूं तो ऑल नेसेसरी पोर्ट्स आपको लैपटॉप में अवेलेबल होंगे एंड साथ ही आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। सो गाइज, अगर आपको अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए एक बेस्ट लाइटवेट लैपटॉप चाहिए तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो, जिसका नाम है Asus VivoBook 14। प्राइसिंग के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज, ये थे आज के हमारे टॉप 3 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर ₹35,000। तो देखो यार, सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट की ऑडियंस को टारगेट करते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और आपको कैसा लैपटॉप चाहिए आप डिस्कस कर लीजिए और अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप चूज कर लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।